नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका कितना इम्पैक्ट भारतीय बाजार पे पड़ेगा। देखो, भारतीय बाजार पे इम्पैक्ट कितना पड़ेगा आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको खुद पता है ना के बराबर पड़ेगा। लेकिन भारतीय कंपनियां या फिर ऐसी कंपनियां जिनको बड़ा काम था बांग्लादेश से, उनके ऊपर डेफिनेटली एक डेंट आएगा। अब वो कितने बड़े लेवल पे होगा उसको समझेंगे। दूसरी बात, बांग्लादेश आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एक बड़े लेवल पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, और बांग्लादेश में जो ये चिंताएं परेशानियां दिख रही हैं इस समय, इसकी वजह से जो कंपनियां जो देश बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंपोर्ट करते थे वो बांग्लादेश की जगह किसी और कंट्री की तरफ फोकस करेंगे। अब चाइना से इस समय ज्यादा कंट्रीज की बनती नहीं है, तो ऑब्वियस है कि हम कहीं ना कहीं उनके रडार पे होंगे कि क्यों ना भारत से माल इंपोर्ट किया जाए। इस बीच में भारत में लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपए प्रति महीने का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। अब कौन सी कंपनियां इसका फायदा ले पाएंगी ये मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, और टोटल बांग्लादेश और भारत के बीच में कितना संबंध है इकोनॉमी के लिहाज से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिहाज से, वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश में जो हालत चल रही है इस समय वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है, खराब है और दिक्कत है। अगर ये दिक्कत एक हफ्ते, दो हफ्ते, एक महीने और दो महीने में सॉल्व हो जाती है तो मेरे को लगता है ज्यादा इंपैक्ट बांग्लादेश पे नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दिक्कत मोर देन 3 मंथ्स चलती है अगर, देन डेफिनेटली बांग्लादेश की नींव हिल जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश एक ही पैर पे खड़ा है और वो पैर है इसका टेक्सटाइल। मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर या फिर एक्सपोर्टर आप कह सकते हो बांग्लादेश को टेक्सटाइल के मामले में। ये 32,000 करोड़ रुपए प्रति महीने का एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल में, पहले नंबर पे चाइना है। आपको मैं बता दूं भारत का क्या है, तो भारत प्रति महीने 11,000 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, जिसके सामने बांग्लादेश 32,000 करोड़ का करता है। तो आप सोच सकते हो कि बांग्लादेश कितने बड़े लेवल पे है भारत के सामने। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो डायरेक्ट यही है कि बांग्लादेश जहां भी एक्सपोर्ट करता है वो सारी कंट्रियां इस समय बांग्लादेश से माल नहीं खरीदेंगी, क्योंकि बांग्लादेश जहां भी टेक्सटाइल को बना रहा है वो ज्यादातर फैक्ट्रियां सरकार की ही थी या सरकार के किसी रिलेटिव की, फैमिली मेंबर्स की, और जो विरोधी हैं उन्हें गवर्नमेंट से नहीं, गवर्नमेंट जो चला रही थी उससे प्रॉब्लम थी। हसीना शेख जी, उन्हें तो देश छोड़ के ही जाना पड़ा, लेकिन वो फैक्ट्रियां भी उनकी कुछ फैमिली मेंबर्स की, क्योंकि भैया 15 साल से वही थी, तो लोगों का गुस्सा उनकी फैक्ट्रियों पे भी उतर रहा है और कुछ फैक्ट्रियों में भी आग लगाई जा रही है। वो डायरेक्टली अपना मैन्युफैक्चरिंग को कम कर देंगी जब इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो, और ज्यादा बढ़ गई तो और ज्यादा कम हो जाएगा। जिसके बाद जो भी बांग्लादेश से इंपोर्ट करते थे वो दूसरी कंट्री ढूंढेंगे, तो हम कहीं ना कहीं सबके इस समय दोस्ती यहां पर कह सकते हो, तो यहां होगी बड़ी अपॉर्चुनिटी। कहां पे आएगी? टेक्सटाइल क्षेत्र में। अब टेक्सटाइल में अगर हम 11,000 करोड़ रहे हैं, मान के चलो मोटा मोटी लेवल पे बांग्लादेश में 6 महीने चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो भारत में 3000 करोड़ का एडिशनल एक्सपोर्ट हब बन जाए, एडिशनल एक्सपोर्ट लेवल आ जाए, तो उसके लिए कंपनियों को भी तो ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं उतनी लेबर फोर्स पे आप अचानक से टेक्सटाइल इंपोर्ट करने लगो, बनाना भी तो पड़ेगा, तो इतनी जल्दी चीजें नहीं होंगी सॉल्व। आप पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए। बट अगर कंपनियों को दिखेगा डिमांड है तो वो कैसे भी करेगी, चाहे वो वेतन बढ़ा देगी, चाहे वो किसी भी प्रकार से करवाएगी, लेकिन वो काम करके बेचने की कोशिश करेगी, तो कुछ ना कुछ कंपनियों पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो टेक्सटाइल स्टॉक जो रिसेंटली शूट करे हैं ना, उसमें आपको ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि हमें इसके लिए दो रिक्वायरमेंट है। एक, पहली, बांग्लादेश में ये केस चलता चला जाए 6-8 महीने, और दूसरी वो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा जल्दी लेबर फोर्स को एक्वायर करें, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं और फिर वो एक्सपोर्ट कर पाएंगी। ऑब्वियस है ना, ठीक है जी। अब आते हैं अगले पैरामीटर पे। बांग्लादेश की बात करें तो जो टेक्सटाइल में वो सबसे बड़ा प्लेयर है, उसके लिए उसे कॉटन चाहिए होता है, और कॉटन वो इंपोर्ट करता है भारत देश से।
और भारत देश में कॉटन जो बांग्लादेश को सप्लाई करती हैं कंपनियां, उनके लिए काम कम हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश कॉटन ही नहीं मांगे, क्या पता अगर दिक्कत होगी तो क्यों ही मांगेगा वो। तो भारत में टेक्सटाइल में जो कॉटन बनाने वाली कंपनियां हैं या कॉटन का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, उनसे आपको सावधानी बरतनी है। आंख बंद करके टेक्सटाइल टेक्सटाइल नहीं करना है, ये चीज भी फोकस करनी है। अब बढ़ते हैं अगले पैरामीटर पे। अगला पैरामीटर है अदानी जी का। देखिए अदानी जी की बात करें तो आप सभी को ये तो पता ही होगा, इन्होंने एक बिहार में प्लांट डाला जो कि टोटली, उस पर काफी राजनीति में मामला भी गर्म हुआ, टोटली बिजली जो बनेगी वो बिजली सारी बांग्लादेश को चली जाएगी, ठीक है जी। और जो कोयला आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, यानी भारत की तो जमीन केवल प्रयोग में आ रही है, वहां पे वातावरण खराब किया जा रहा है, लेकिन सारा काम कहां के लिए हो रहा है, बांग्लादेश के लिए, कमाई बांग्लादेश से आएगी, ठीक है। तो इसको लेकर काफी बवाल ही मचा था, लेकिन अभी क्या होगा, जो राजनीति पहले थी और जो अब है, वहां पे शायद संबंध बिगड़े नई राजनीति से, तो शायद चाइना की तरफ वो फोकस कर लें और अदानी जी का ये मामला फ्लॉप हो जाए, ये भी हो सकता है, बट एक साथ तो नहीं होगा, धीरे धीरे हो सकती है कुछ चीजें बिगड़े। दूसरी बात, अदानी पावर ऑलरेडी बांग्लादेश को काफी बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, अराउंड 1500 मेगावाट समथिंग की, तो वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां जिनका बांग्लादेश से लेन देन है उन सब पे इंपैक्ट पड़ेगा, और जो बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है वो तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट खाएंगी, बट ऐसी कोई कंपनी आई नहीं जो बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है, सारी की सारियों का बड़ा काम कहीं और से चलता है, भारत से चल रहा है, बांग्लादेश पे कुछ नहीं। तो मोटा मोटी लेवल पे मैं समझूं कि भारत देश के लिए केवल और केवल मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी ही है, नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा इनकी वजह से, लेकिन बांग्लादेश की वजह से बांग्लादेश में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि उनका टेक्सटाइल में अगर लोगों के पास दूसरे लोगों पर काम चला गया तो बांग्लादेश का तो सबसे बड़ा वही है हथियार, वो दिक्कत में आएगा। कुछ रेलवे कंपनियों से बड़े करार थे सरकार टू सरकार, वो टूट सकते हैं, तो रेलवे स्टॉक्स में कुछ फोकस हो सकता है नेगेटिव साइड पे भारत में, बट उनका ज्यादा बड़े लेवल पे काम था ही नहीं। तो यही डिटेल्स थी, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप अगर ये सोचो कि बांग्लादेश में चिंताएं बढ़ रही है, इसकी वजह से कुछ भारतीय कंपनियां टूट जाए या फिर दिक्कत हो जाए बढ़ जाए, मेरे को नहीं लगता भारत पे कुछ भी होगा, क्योंकि भारत बिल्कुल बांग्लादेश पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिपेंडेंट है, सारी अपनी है, विदेशों से है, बट बांग्लादेश में ना के बराबर काम काज है। बांग्लादेश का इनफैक्ट जो टेक्सटाइल उनकी, मतलब एक ही नींव है और वो नींव भी इधर उधर फैल गई, तो बांग्लादेश का क्या होगा ये समझ लो बस। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, होप आपको मैं सही से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।